गेहूं का सीजन इन दिनों पीक पर है। किसान अपनी फसलों को लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं, लेकिन अंबाला की अनाज मंडी में अब फसल रखने की जगह भी नहीं बची है। इसका कारण स्लो लिफ्टिंग है, जिसकी वजह से किसान भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के द्वारा भी अगले 4 दिनों में मौसम में परिवर्तन के आसार बताए जा रहे हैं, जिसने किसानों की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। हर साल मंडियों में 2 कंपनियों को फसल उठाने का काम दिया जाता था, लेकिन इस बार एक ही कंपनी यह सारी फसल उठा रही है, जिसकी वजह से उठान की गति काफी धीमी है। मंडी सारी भरी पड़ी है, उठान हो नहीं रहा और हमारी तरफ से तो सब रेडी है माल, पर लेकिन बहुत स्लो लिफ्टिंग है। माल उतारने की जगह नहीं रही, माल सारी मंडी थैले के साथ भर गई। बरसात होगी बहुत, माल खराब हो जाएगा, बाहर है शेड में नहीं है। अगर वो जल्दी बार से पहले उठ जाए तो ठीक है, नहीं तो माल खराब होने का खतरा। मेरा नाम सरदूल सिंह है जी। फसलों का तो जो कुछ है जी, मौसम की जो भी मार पड़ी है, कुछ भी हुआ है, जो कुछ जैसे चल रहा है ठीक ही चल रहा है जिम्मेदारों का तो जी, लेकिन यहाँ मंडी वाले ने तो ऐसा हाल कर दिया जी, पहले परचेज 15 दिन के बाद आई है, तो अब जो परचेज आई है तो ये मंडियों से उठान नहीं हो रहा, कभी बारदाना नहीं मिलता तो कभी उठान नहीं होता, ये हाल हुआ पड़ा है जी। स्लो लिफ्टिंग को लेकर आढ़तियों का कहना है कि इस बार मौसम की मार की वजह से किसानों ने अपनी फसल की कटाई मशीन से शुरू कर दी और भारी मात्रा में फसल जल्दी मंडी में आने लग गई, इसलिए लिफ्टिंग का काम काफी धीमा हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान हो सकता है। इस बार उठान की दिक्कत ज़्यादा है। एक तो पहले से जो शुरू होती थी ना परचेज, वो आहिस्ता आहिस्ता आती थी गांव पे, अब बारिश के कारण परचेज 13 अप्रैल से शुरू हुई है और बारिश रुकने के कारण वो सारी फसलें गिर गई थी, वो एकदम से सूख गई और किसानों ने एकदम से मशीनें लगा के कटाई शुरू कर दी और इसके कारण कनक भी ज़्यादा आई है। पिछले साल कनक का एवरेज थी 10 से 12 क्विंटल और इस बार कनक का एवरेज है प्रति एकड़ 18 से 22, इस बार कनक ज़्यादा आई है और इसके कारण उठाई में देरी हो रही है क्योंकि ट्रक देर से लगे। और एक सरकार पहले हर एजेंसी का अलग अलग ठेकेदार होता था उठाई का, लेकिन इस बार पता नहीं सरकार ने क्या किया कि एजेंसियों का एक ही ठेकेदार कर दिया, जिसके कारण दिक्कत आती है उठाई में। उठान तो एक उसने ही करना ना, जो ठेकेदार है, क्योंकि उस पर एक मंडी में एक ही ठेकेदार है। पहले अपने अंबाला मंडी में 2 ठेकेदार होते थे, इस बार 1 ठेकेदार है, तो 1 ठेकेदार के लिए दिक्कत आती है। पहले 2 थे, कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि एक एजेंसी का वो उठा लेता था, एक एजेंसी का वो उठा लेता था। वहीं इस बारे में अंबाला शहर अनाज मंडी के सेक्रेटरी दलेल सिंह ने बताया कि अभी तक मंडी में लगभग 3.5 लाख क्विंटल गेहूं आ चुकी है, जिसमें से DFSC ने 26% और हैफेड ने 11% फसल उठा ली है। वहीं इस बार लिफ्टिंग का काम धीरे चल रहा है। मंडी में अभी तक 3.04 लाख क्विंटल अरेवल हो चुकी है और इसमें हैफेड भी 1.04 लाख और DFSC 1.86 लाख क्विंटल है। उसमें से एफर्ट ने सिर्फ अपने 11% की लिफ्टिंग की है और फूड सप्लाई की 26% की लिफ्टिंग है। लिफ्टिंग की मेन समस्या है जो लिफ्टिंग की है, अब स्पेशल लग रही है, कल भी स्पेशल थी, आज भी स्पेशल है, उसमें कुछ समाधान होने की उम्मीद है, लेकिन अनलोडिंग जो लेबर है उसकी भी थोड़ी कमी है। मेन लिफ्टिंग के कारण है कि लिफ्टिंग के बाद अभी मंडी खाली होएगी। बोला है सर, दोनों को नोटिस जारी कर दिया गया है और कल से कुछ सुधार है लिफ्टिंग में, स्पेशल लगी है, जो आज भी 4,000 कट्टे की स्पेशल है, कुछ ना कुछ सुधार तो है लिफ्टिंग में पहले से।